मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है दूसरा दिन। कल खाना खाने के बाद मैं व्लॉगिंग ही नहीं की क्योंकि सनी ऑफिस से आ गए थे एंड उसके बाद खाना वाना खाया हमने। एंड खाना खाने के बाद तो मेरी बत्ती गुल हो गई क्योंकि कल जल्दी उठी थी ना, तो इतनी नींद आ रही थी मुझे। तो मम्मी मम्मी से फ़ोन पे बात की एंड उसके बाद सो गई मैं। आज फाइनली व्लॉगिंग कर रही हूँ एंड अभी फिर से मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ तैयार होकर। हम दोनों आज, सनी का ना थोड़ा बहुत काम कम है तो आज हम जा रहे हैं IMM। IMM जुरोंग में है, जुरोंग ईस्ट वॉल के एक एरिया है। वो मलेशिया और सिंगापुर के एकदम बॉर्डर पे आता है। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट है। तो फैक्ट्री आउटलेट में कुछ कुछ सेल्स लगे हैं तो वो देखने जा रहे हैं। कुछ जो रोबो वैक्यूम है ना, जो वैक्यूम है वो वहीं पे ठीक होता है, तो उसका एक पार्ट लाना है वहाँ से हमको। तो इसीलिए उसके लिए जा रहे हैं। शॉपिंग तो मेरी होती रहती है जहाँ भी मैं जाती हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ सेल देखने के लिए। सनी तो सेल देखने नहीं जा रहे बट वो स्पेशली शॉपिंग करने जा रहे हैं। कितने दिनों बाद दिखा मुझे, यही मिरर के ऊपर टंगा रहता है। कितना मस्त लग रहा है ना। तो मैं तो शॉपिंग करने मैं एक्साइटेड रहती हूँ, बट सनी ना वो अपना वैक्यूम का काम करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ। और चलिए साथ चलते हैं एंड कुछ सेल वेल चल रहा हो तो आप लोगों को बताऊँगी, जो भी सिंगापुर में रह रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड मैंने काफ़ी ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहन लिए क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत रहती है एंड ट्रेन में लंबा बैठना होता है, 1 घंटे का जर्नी होता है यहाँ से वहाँ तक। तो MRT में बहुत ठंड हो जाती है। मैं ऑलवेज ठंड के लिए तैयार रहना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं एंड मैं आपको वहाँ जाके मिलती हूँ। फिर से अभी यहाँ के चार्ल्स एंड कीथ में आई हूँ एंड ये कुछ सनी ने चूज़ किए हैं। जो सनी ने चूज़ किए वो ये हैं एंड ये वाले हैं एंड मैंने ये जो कल आपको दिखाई थी ये वही है। तो समझ नहीं आ रहा है कौन से अच्छे लग रहे हैं। आज भी कंफ्यूज्ड हूँ मैं। सनी लेके आके दे रहे हैं मुझे, दिखा रहे हैं कि ये देख लो वो ट्राई कर लो। अरे यार चप्पलों में मैं कभी लाइफ में इतनी कन्फ्यूज़ नहीं हुई जितनी यहाँ कन्फ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि ये भी देखें। सो ये देखिए, कोच पे बाहर खड़े होना पड़ता है। इतनी लाखों की चीज़ देखी हुई, एक मीम पड़ा था मैंने इंस्टा पे, इतने लाखों के पैसे देखे भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सो अब मैं जा रही हूँ बाथ एंड बॉडी वर्क्स और विक्टोरिया सीक्रेट की तरफ। बैग मुझे पसंद आ गए हैं बट मैं कंफ्यूज हूँ दो चीज़ों में, दो बैग में। मम्मी को भी फोटो भेजा मैंने, मैंने बोला कि आप चूज़ करके बताओ। उन्होंने चूज़ किया, वो मेरी पसंद के साथ मिल रही है बट सनी की और मेरी पसंद नहीं मिलती। तो मैं सोच रही हूँ बताऊँगी आपको। रुकिए, रहा MK माइकल कॉर्स, देखते हैं कुछ ऑफर है। डवी बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे देखते हैं। सो ये कुछ कुछ लिया है मैंने एंड ये सारा कुछ भी लिया है। सो थैंक यू। देखिए ये कैंडल्स लेने थे मुझे बट घर पे काफ़ी सारी कैंडल्स हैं तो मैंने क्या लिया है घर जाके दिखाऊंगी आपको। ये कैंडल्स मेरी सबसे फेवरेट होती हैं। देखिए पूरा कैंडल का रैक, बट मैंने क्या लिया है वो आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी मैं। ये आए हैं हम स्टारबक्स में एंड ये रहा मेरा ड्रिंक। एंड मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है तो एक बर्थडे केक, स्लाइस ऑफ केक देते हैं वो लोग। एक्चुअली उनको लगा कि जुलाई है तो जून में ही दे दिया है। सो ये रहा। और अभी कुछ कुछ ली हूँ मैं चीज़ें, वो घर जाके दिखाऊंगी बाथ एंड बॉडी वर्क से। बस चार्ल्स एंड कीथ मैंने लिया नहीं है क्योंकि मैं वेट करूँगी, क्योंकि मैं वो घर के पास वाले में ले लूँगी। आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ एडवांस फर्स्ट बर्थडे केक मेरा। तो अभी जस्ट वापस आए हम, तो मैंने सोचा कि फटाफट से आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या लाया है इन बैग्स में, क्या क्या है। देखिए तो ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर जाए और कुछ ना लाए। एंड चार्ल्स एंड कीथ का मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन मंगा दूंगी जब कुछ अच्छा दिखेगा, क्योंकि जो मुझे पसंद आया था उसमें वो कलर था नहीं। फाइनली मैं ले ही ली थी ऑलमोस्ट, वो मम्मी को भी पूछा तो मम्मी ने भी चूज कर लिया था। एंड देन
मिला नहीं तो क्या करें। आई थिंक जब नसीब में होता है तभी मिलती है चीज़ें। तो ये बाथ एंड बॉडी वर्क से फर्स्ट तो ये लाया है मैंने। तो ये इसके अंदर ना हैंड वॉश की बॉटल जाती है, जब मैं डालूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला लाया मैंने, ये स्टील का होता है, देखिए इसके अंदर हैंड वॉश की उनकी ही बॉटल जाती है और फिर आप इसको वॉशरूम में रख सकते हो। बहुत क्लासी लगता है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले ये लाया है, उसके बाद मैंने ये लाया, ये देखिए ये कैंडल रखने वाला स्टैंड है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रही इनकी, ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की ही कैंडल है। तो ये इसमें ऐसे जाता है, देखिए स्टैंड बन गया ना इसका। तो ये लाया मैंने, फिर मैंने लाया ये देखिए, मतलब होम डेकोर ज़्यादा लाया, अपने लिए कम एंड घर के लिए ज़्यादा लाई हूँ मैं चीज़ें। तो ये भी कैंडल का ही है, ये ऐसे निकल जाता है, देखिए ऐसे ये बाहर निकलता है। इसके अंदर यहाँ पे कैंडल रख के फिर इसको इसके अंदर ऐसे डाल सकते हैं, देखिए ऐसे। ये मेरा सबसे एकदम क्यूट एंड ब्यूटीफुल बाय था, ये बहुत अच्छा था। उसके साथ मैंने ये लाया है, ये होता है जो फ्रेग्रेंस ऑयल मिलता है ना, वो बर्नर है ये। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे काम करता है। इसके अंदर यहाँ पे ये कैंडल डालना है इसके अंदर, और ये इसके अंदर जाएगा एंड ऊपर ये वाला एक सॉसर टाइप दिया है, ये यहाँ ऊपर जाएगा। तो इसके अंदर आपको फ्रेग्रेंस ऑयल डालना है, नीचे से जैसे जैसे गर्मी लगती है ना तो फ्रेग्रेंस ऑयल फैलता है घर में। तो ये एक लाया है, बहुत डेलिकेट है, देख के यूज़ करना है इसको। और उसके बाद मैंने ये रूम फ्रेशनर्स लाए हैं, ये दो रूम फ्रेशनर्स लाए, ये मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे पास और भी हैं पहले के। एंड फिर मैंने ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ये लैवेंडर प्लस वनीला अरोमा थेरेपी से ये लाया है, ये बॉडी वॉश है उनका। तो ये वाला एक लाया। एंड देन फिर मैं गई थी विक्टोरिया सीक्रेट, तो ये विक्टोरिया सीक्रेट की चीज़ें दिखाऊंगी नहीं क्योंकि ये सारे इनर वेयर्स हैं। तो अगर आप जा रहे हो उधर तो आप ख़रीद सकते हो, तो वहाँ से ये लाया बस। भी खाना बनाना है तो खाने में मैं क्या बनाऊँगी वो आपको आगे के व्लॉग में कंटिन्यूएशन में दिखा देती हूँ। बहुत टायरिंग लगा सुबह से लेके अब तक, एंड हमारा वैक्यूम का काम था ना वो भी लेके आ गए हम, दिखाई देते हैं आपको। सो कुछ उसका पार्ट ऐसा होता है, ये टैंक होता है, इसके अंदर पानी भरने का होता है। तो ये वैक्यूम के अंदर जाता है, जो रोबोटिक वैक्यूम है उसके अंदर जाता है। तो हमारा मॉप चल नहीं रहा था तो ये चेंज करना था, तो ये पार्ट भी लेके आ गए हम। तो अभी ये डाल के देखते हैं कि वैक्यूम से मॉप होता है कि नहीं। That's it. आज की शॉपिंग ये सारी थी, तो अभी फटाफट से ये सारी चीज़ों को समेट के फिर मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। सो अभी आते ही ना खाना बनाने के लिए मैं रुक गई, क्योंकि हमको ब्रेक नहीं होता है, यू नो लेडीज़ को बाहर जाके आने के बाद भी खाना बनाना घर का देखना पड़ता है ना, वरना खाना कैसे खाओगे। तो इसलिए आने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर धो लेके खाना बनाने के लिए खड़ी हूँ। बहुत धूप है तो इसलिए मैंने कवर कर दिया है आज किचन का। तो है ये भिंडी भिगो दी है, ये बनाऊंगी और बैंगन का फ्राई बना दूंगी। एंड ये जो मैंने स्प्राउट्स कल भिगोए थे ना, तो उसके देखिए स्प्राउट्स निकल आए हैं, तो इसकी सब्जी बनाऊंगी अभी। ये एकदम मैं हुबली स्टाइल की सब्जी बनाऊंगी। मैं ये सब कुछ खाना बनाने के बाद मिलती हूँ, कुछ रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल सा बना रही हूँ मैं खाना। तो ये देखिए ये भिंडी हो गए, बहुत यमी बनते हैं, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर चुकी है। तो ये भिंडी हो गए एंड यहाँ पे बैंगन फ्राई हो रहे हैं। अभी मुझे हरी मिर्च का पेस्ट बनाना है ये बनाने के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हरी मिर्च का पेस्ट लहसुन के साथ बनाऊंगी। ये रहा मेरा गार्बेज, एक ही बार में पूरा मैंने कटिंग वटिंग करके इसको फेंक देंगे। बैंगन हो गए हैं फ्राई और ये तड़का रेडी है, भिंडी हो गई है। तो तीनों सब्जियां मेरी हो गई हैं हाफ एन आवर में, 6:30 से 7 बज चुके हैं अभी, एंड पूरी मेरा पकाना हो गया है, सिर्फ फुलके बनाने हैं अभी खाने के लिए। ये डाल देते हैं, ये बैंगन हो गए हैं, इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक एंड चाट मसाला जड़ा दिया है। मस्त लगते हैं ये बैंगन। और ये रहे मेरे
स्प्राउट्स की सब्जी और फिर ये रही भिंडी की सब्जी। तक पी रही हूँ, ख़त्म नहीं हुई थी। और यहाँ पे आटा गूंद लिया है तो भी और फुलके बनाऊंगी। सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एकदम आधा मुट्ठी भर चावल चढ़ाया है क्योंकि मुझे बैंगन के साथ ये चावल खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़े से बासमती चावल चढ़ा दिए यहाँ पे। और यहाँ पे दूध को गर्म के लिए रख दिया है दही जमाने के लिए। फुलके यहाँ बन के तैयार हैं, बस वेट कर रही हूँ, सनी का ऑफिस का कॉल चल रहा है। ओह, जैसे ही उनका कॉल ख़त्म होता है हम खाना खा लेंगे। बैंड बजी हुई है, आज पूरे दिन वहाँ पे घूम के आए। एंड वहाँ पे इतना बड़ा मॉल है, वो एक्चुअली ना फैक्ट्री आउटलेट बोलते हैं उसको, तो सारे वहाँ पे ब्रांडेड जो भी बड़े बड़े ब्रांड है ना उन सब का फैक्ट्री आउटलेट हुआ है वहाँ पे, तो बहुत बड़ा मॉल है। वो घूम के थक गए थे आधा, प्लस आके खाना बनाने में भी थकी गई हूँ। अभी बस नहा के ना कब जाके आराम से सोच रही हूँ, बट ये नहीं होने वाला है क्योंकि कल जो सब्ज़ी लाई थी मैंने वो अभी तक क्लीन नहीं की है, तो सब्ज़ी को भी क्लीन करके फिर सोऊंगी मैं आज। बिना वो सब्ज़ी क्लीन किए सोऊंगी नहीं, एंड सब्ज़ी क्लीन करने के पहले आज का व्लॉग एडिट करके भी डालना है, वो तो भूल ही जाओ। मतलब आज तो बहुत काम होने वाले, कल भी काफ़ी काम हुए, आज भी काफ़ी काम होने वाले। अच्छा है, चलो थोड़ा बहुत बिजी रहती हूँ, खाली रहती हूँ तो वैसे भी लेजीनेस आ जाता है, थोड़ा बॉडी को थकाना ज़रूरी होता है ये तो। सो अभी ये बन चुका है, खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। रात के कितने बजे हैं? ऑलमोस्ट 10:45 हो गए हैं। सारा किचन का काम हो गया है, सब कुछ हो गया है, मैंने नहा भी लिया। इतनी गर्मी हुई है आज बाहर घूम के आने के बाद, घर आने के बाद गर्मी हुई। बाहर तो अच्छा था, मैं गर्म गर्म कपड़े पहन के गई थी। सो अभी पूरा पूरा किचन का काम हो गया, सब कुछ ख़त्म, किचन ऑफ हो गया है आज के लिए, किचन को शट डाउन कर दिया है। कल सुबह खुलेगी मेरी किचन फिर से, तो हाँ कल को कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। ये अगर यहाँ पे एंड नहीं किया है मैंने तो, क्योंकि मुझे क्लिप्स पता ही नहीं है, मैं इतने उतने यहाँ वहाँ से बहुत सारे क्लिप्स ली थी तो सबको ज्वाइन करते गई हूँ, बस जो जो चल रहा है वही दिखाया है। आई थिंक इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एज आई ऑलवेज से, डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, एंड आई सी यू अगेन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।